सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि बीजेपी की ओर से लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, लेकिन जो लोग मारे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा टीएमसी के कार्यकर्ता हैं 19, बीजेपी के 8, 6 कांग्रेस और लेफ्ट के। ऐसे में राज्य प्रायोजित हिंसा ये कैसे हुई, टीएमसी की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, उसका कहना है कि बीजेपी ही सब करवा रही है। देखिए, आज ममता बनर्जी गुंडागर्दी अराजकता का पर्याय बन चुकी है और मैं समझता हूं कि इस तरह के सवाल पूछना ही बेईमानी है। बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात करना चाहता हूं। आप मुझे ये बताइए, संविधान की शपथ ली है ना ममता बनर्जी ने? संविधान में शेड्यूल 7 लिस्ट 2 स्टेट की लिस्ट होती है, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है एंट्री 1, जिसमें ये कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखिएगा। चित्रा जी, ये भूल जाइए कि टीएमसी बता रही है कि हमारे 23 कार्यकर्ता मारे गए हैं, बीजेपी के 8। मैं तो ये कह रहा हूं, ये जो 39 हमारे भाई बहन मारे गए हैं, देश के नागरिक हैं, उनकी केवल भूल क्या है कि वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं जहां अराजकता का राज है। और AIMIM का वक्तव्य कल का आप याद करिए, उन्होंने कहा कि हिंदू इतने हैं और मुसलमान इतने हैं। चित्रा जी, उनसे भी पूछा जाना चाहिए, अरे भाजपा के समर्थक है, टीएमसी के समर्थक है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छोड़िए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा, कल एक आदेश है मेरे पास आया है, मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, सारांश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा जो लोग मारे गए हैं उनकी FIR लिखिए, मतलब FIR नहीं लिखी जा रही। दूसरी बात, हाँ। उन्होंने कहा जब पोस्टमार्टम होगा तो उसकी वीडियोग्राफी करिए। क्यों? क्योंकि ये लोग साक्ष्यों से खेलते हैं, पोस्टमार्टम भी झूठे होते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। आप याद करिए, 2 मई को जब चुनाव के परिणाम आए थे, 10 दिन तक वहां पे जंगल राज था, अराजकता थी, ममता बनर्जी चुप रही, बीरभूम 10 लोग जला दिए गए घर के अंदर, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोली। और तीसरा, पंचायत चुनाव पिछली बार 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, चित्रा जी, कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है पश्चिम बंगाल में और फिर से ये होता है। तो क्या इतिहास का हवाला देखिए कि लेफ्ट की सरकार में ऐसा होता था, जो अभी जंगल राज है उससे आप पलड़ा झाड़ सकते हैं? नहीं झाड़ सकते। मानव जायसवाल जी, जवाब दीजिए, ये तो सही बात है कि राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही इस पूरे मामले में तय की जानी चाहिए। अगर 40 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर वहां से सामने आई है तो फिर सीधे तौर पर जिम्मेदार टीएमसी को क्यों नहीं माना जाए? आपका तंत्र पूरी तरह से फेल रहा है सुरक्षित चुनाव कराने में, मानव जायसवाल जी। और बीजेपी कह रही है बंगाल में जंगल राज आ गया है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। बीजेपी तो जंगल राज करके रखी है पूरे देश में, मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, तो बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, आपको पता नहीं है चित्रा जी, ये लोग दूसरा मणिपुर बनाना चाहते थे बंगाल को, बंगाल को मणिपुर से भी ज्यादा दूरदर्शित बनवाना चाहते थे, इतना दुर्दशा करना चाहते थे। वो तो हमारी प्रशासन है, जिस तरीके से पूरे मुकबिल तरीके से काम करा उन्होंने, इनके जो नेता है वो तो जो सेंट्रल फोर्सेस है उसके साथ तो बैरेट लूटने चले जा रहे हैं, वो तो स्ट्रांग रूम में घुस जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पुलिस थाना चला देंगे, कोई बोल रहा है कि बैलेट को चला दो, कोई बोल रहा है कि बूथ को चला दो, कोई बोल रहा है बूथ को लूट लो, ये तो इनका चलचरित्र है। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? इनका तो इतिहास रहा है, दंगा फैलाओ और मजे लो। ये दंगा फैलाना चाहते हैं, गोली मारना चाहते हैं, आज हमारे लोग आहत हुए हैं, पूरा बंगाल आहत हो रहा है इनके कुकर्मों की वजह से। इन्होंने पीछे CPM को सपोर्ट किया है, इन्होंने पैसे दिए हैं, इन्होंने उनको केंद्र वादी का सपोर्ट दिया है। आप हमको बताइए, जो इनके जो नेता है, जो MLA है, अजय किस तरीके से घुस गए स्ट्रॉन्ग रूम में सेंट्रल फोर्सेस लेके, क्यों नहीं आप ये दिखा रहे हैं? जब काउंटिंग हो रही है तो आप जबरन कैसे घुस सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस के, उनके लिए बॉडीगार्ड? हाँ, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स लेकर फरार हो रहे हैं। अच्छा, आज ही तस्वीरें सामने आई हमारे जायसवाल जी, और अगर वो जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग रूम में तो आप धरपकड़ कीजिए ना, उन लोगों को रोकी जाने की जरूरत है। अगर आपकी कार्यकर्ता, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर के बूथ में ब्लास्ट की खबर है, मालदा में काउंटिंग सेंटर पर एक शख्स बैलेट बॉक्स लेकर भागा जो कि टीएमसी का बताया जा रहा है, नादिया में पुलिस के साथ मारपीट, मेरे पास पूरी की पूरी फहरिस्त है इस वक्त कहां कहां के आंकड़े आपके सामने रखे मानव जायसवाल जी। और चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे लेफ्ट का कार्यकर्ता हो, चाहे वो टीएमसी का हो, अगर अराजकता फैला रहा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि पकड़कर उसको जेल में डालिए।
उसने दिया है क्या ये डेटा? एक्सक्यूज मी एक सेकंड मिस्टर मानव जायसवाल, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे आप। जिसके राज्य में 45 लोगों की जान जा चुकी हो, 40 से ज्यादा, उसका प्रवक्ता मुझसे इस भाषा में बात नहीं कर सकता है मिस्टर मानव जायसवाल। बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। कोई यहाँ पर बीजेपी का आंकड़ा लेकर नहीं बैठा हुआ है, मेरे पास आज तक की लिस्ट है। मिस्टर मानव जायसवाल व्यक्तिगत बिल्कुल नहीं होंगे आप। आपको शर्म आनी चाहिए, आपके राज्य में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और आप एंकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक सेकंड, मिस्टर मानव, बिल्कुल इस तरह की बेतुकी बातों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। मिस्टर मानव जायसवाल, बिल्कुल तरीके से और तमीज से बात करेंगे। एक सेकंड सर, बिल्कुल तरीके से, मैं किसी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं हूँ यहाँ पर, बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। मैं देश के सबसे बड़े चैनल की एंकर हूँ, आप उसी तरीके से बात कीजिए मुझसे। और आप जवाब देने के लिए आए हैं, नहीं जाऊंगी मैं आपके पास अगर आप मुझसे बदसलूकी करेंगे लाइव चैनल पर।